प्यारे विद्यार्थियों, जय गुरुदेव। एक बार फिर श्री गुरु कृपा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर की ऑनलाइन क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत। आज हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 2 रियल नंबर्स का नेक्स्ट टॉपिक एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रश्न है, दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q+1 के रूप का होता है, जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने इसकी एक्सरसाइज 2.1 की पूर्व क्लास में, इसकी पिछली वाली जो क्लास थी उस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 3 सिद्ध किया था। और प्रश्न नंबर 3 में था कि धनात्मक पूर्णांक संख्या केवल धनात्मक पूर्णांक संख्या था, जबकि यहाँ वर्ग है। इस प्रश्न में और उस प्रश्न में अंतर क्या है, यहाँ स्क्वायर है, वर्ग है, वहाँ वर्ग नहीं था। तो हमें यहाँ जो पूर्णांक लेंगे उसका वर्ग भी करना है। वैसे ही तो इसलिए हम चलते हैं प्रूफ में। इसके लिए हमने माना कोई एक कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है, केवल विषम धनात्मक पूर्णांक है, और जहाँ b इज इक्वल टू 4, वहाँ हमने b इज इक्वल टू लिया था 6। याद है आपको, क्योंकि वहाँ b इज इक्वल टू 6 इसलिए लिया था हमने, क्योंकि सिद्ध करने में वहाँ क्या था, 6q+1, और वहाँ सिद्ध करने में था आपके 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5 सिद्ध करना था आपको विषम धनात्मक पूर्णांक। तो इसलिए हमने b का मान वहाँ 6 लिया था। अब यहाँ सिद्ध करने में हमारे पास आ रहा 8। क्या रहा है, 8 आ रहा वहाँ, तो केवल हमें पूर्णांक ही सिद्ध करना था, इसलिए हमने b का मान सीधा 6 ले लिया। अब यहाँ हमें पूर्णांक का वर्ग सिद्ध करना है, और वर्ग करने के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पर 8 आ रहा है। तो वर्ग करने पर 8 आ रहा है, तो हमें यहाँ ये सोचना होगा कि किस संख्या का वर्ग 8 होता है। तो हम जानते हैं कि 8 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता। तो 8 किसी संख्या का वर्ग नहीं होता है, तो हमें यह सोचना पड़ेगा नेक्स्ट सेकंड स्टेप में कि 8 किस संख्या के वर्ग का गुणनखंड है। तो हम ये समझने का प्रयास करेंगे, 4 का वर्ग होता है 16, और 16 का गुणनखंड हम लिख सकते हैं 8 × 2। तो 8 जो है 16 के गुणनखंड में आता है, इसलिए हम यहाँ पर b इज इक्वल टू 4 लेंगे। तो b इज इक्वल टू फोर लिया, तो यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमने a को लिखा a इज इक्वल टू 4n+r, जहाँ r इज इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 4। r का मान 0 के बराबर, 0 से बड़ा और 4 से छोटा होगा। अब यहाँ सारे मान लेंगे हम 0, 1, 2, 3, तो आधे सम आएंगे, आधे विषम आएंगे। तो हमें यहाँ केवल विषम वाले लेने हैं, इसलिए विषम वाला आएगा 1 और 3 पर, इसलिए यहाँ पूर्णांक हो जाएगा 4n+1 और 4n+3। ये तो हुआ केवल पूर्णांक, और प्रश्न अनुसार हमें पूर्णांक का वर्ग करना है, इसलिए हम वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो इधर तो होगा ए स्क्वायर, यहाँ हम हॉल स्क्वायर का सूत्र खोलेंगे। हॉल स्क्वायर का सूत्र आप सबको पता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab + b² ए का मान यहाँ है 4, बी का मान है 1। तो ए के स्थान पर 4n लिख दिया, बी के स्थान पर 1 लिख दिया। हल किया तो यह आगे 16n² + 8n+1। इन प्रथम इन दो पदों में से 16n² और 8n में से हमने 8n कॉमन लिया, तो ये हो गया 2n+1। अब 8 के अलावा जो भी सारे पद है, ये वाले पद, इन सब पद को हमने मान लिया q, क्योंकि सिद्ध करने में आपके क्यू आ रहा है, इसलिए इस सारे पदों को मान लिया हमने q। q इज इक्वल टू n इंटू 2n+1। इसको q मानते ही ये हो गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8q+1, पूर्णांक का वर्ग इज इक्वल टू 8q+1। अब सेकंड पूर्णांक की बात करते हैं, सेकंड विषम पूर्णांक की बात करते हैं। विषम पूर्णांक दूसरा जो हमने ऊपर लिया था, पहला लिया था 4n+1 और दूसरा लिया था 4n+3। 4n+3 लेते हैं अब नेक्स्ट, तो फिर तो दोनों पक्षों का वर्क करेंगे। हॉल स्क्वायर का सूत्र लगाया हमने और हल किया, हल करने के बाद यहाँ आया 16n² + 24n + 9।
अब यहाँ हम देख रहे हैं प्रथम दो पदों में से तो 8 कॉमन आ रहा है, परंतु अंतिम पद 9 में से 8 कॉमन नहीं आ रहा है, नहीं हमें शिफ्ट करने में 9 लाना है। अब हम यहाँ प्रयास करेंगे 9 को दो भागों में बांट देंगे, 9 इज इक्वल टू 8 प्लस 1 लिख सकते हैं हम। तो मैंने 9 को दो भागों में लिख दिया 8 प्लस 1। अब ये पहले पद 3 थे, अब पद हो गए 4, 4 पद होते ही 1 को हमने अलग कर लिया, और प्रथम 3 पदों में से 8 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 8 कॉमन ले लिया। 8 कॉमन लेने से अंदर हो गया 2n² + 3n + 1। फिर जो कोष्ठक के अंदर जो राशि आ रही है उसको मैंने q मान लिया, क्योंकि सिद्ध करने में q आ रहा है। q को किसको माना, पूरे कोष्ठक को। q इज इक्वल टू 2n² + 3n + 1, तो ये हो गया a² = 8q + 1। अतः सिद्ध होता है कि विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 8q + 1 होता है, क्योंकि हमने दो विषम धनात्मक पूर्णांक लिए, पहले लिया था 4n + 1 और दूसरा लिया हमने 4n + 3। दो पूर्णांक लिए और दोनों ही पूर्णांकों का वर्ग करने पर हमने पाया कि फर्स्ट का वर्ग किया तो भी 8q + 1 आ रहा है, और सेकंड 4n + 3 का वर्ग किया तो भी क्या रहा है, 8q + 1, और हमें यही सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 2, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन, यहाँ जो नई बात जो है वो है घन, 9q + 1 या 9q + 8 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक संख्या है। तो थोड़ा हमें पीछे का रिवाइज करना होगा। हमने प्रश्न संख्या 3 में केवल पूर्णांक सिद्ध किया था, प्रश्न संख्या 1 में हमने सिद्ध किया पूर्णांक का वर्ग, और अब हम प्रश्न संख्या 2 में सिद्ध करना है पूर्णांक का घन। तो जब यह ये सिद्ध करना था तो हमने पूर्णांक सीधा b का मान 6 मान लिया, तो वर्ग स्क्वायर सिद्ध करना था हमने तो 8 लाना था, फिर भी हमने b को 4 माना। अब घन करना है और सिद्ध करने में 9 लाना है, तो 9 लाना है इसलिए b का मान हम क्या लेंगे, ये हमें सोचने की बात है, समझने की बात है। तो हम जानते हैं किसी भी पूर्णांक का घन 9 नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं 1 का घन 1, 2 का घन 8 और 3 का घन होता है 27। तो अब यहाँ हम देखें, अगर इस 27 को हम लिख सकते हैं 9 × 3, 27 के गुणनखंड में 9 आता है, इसलिए हम यहाँ b का मान 3 मानेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने ये धनात्मक पूर्णांक के लिए हमने b को माना 3, जब b का मान 3 लिया तो यह आ गया a = 3n + r, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। अब b का मान 3 है तब r का मान क्या हो सकता है, 3 से छोटा और 0 से बड़ा और 0 के बराबर, तो r के मान हो सकते हैं 0, 1, 2। r के मान 0, 1, 2 में यहाँ रखूँगा, r का मान 0 रखूँगा तो a का मान आएगा 3n, r का मान 1 रखेंगे तो a का मान आएगा 3n + 1, आर का मान 2 रखेंगे तब एक का मान आएगा 3n + 2। तो ये पूर्णांक आ गए 3n, 3n + 1, 3n + 2। अब प्रश्न अनुसार हमें यहाँ पर इन तीनों पूर्णांकों का अलग अलग घन करना है। तो सबसे पहले लेते हैं नंबर 1, a = 3n। प्रश्न अनुसार दोनों पक्षों का घन करेंगे तो 3n का घन किया हमने, 3n का घन करने से होगा 27n³, सिद्ध करने में 9 आ रहा है, इसलिए 27 के दो गुणनखंड हो गए 9 × 3। 9 को अलग कर लिया, कोष्ठक के अंदर आएगा 3n³, सिद्ध करने में 9³ आ रहा है, इसलिए कोष्ठक के अंदर वाली सभी संख्याओं को हमने q मान लिया, तो यह माना हमने q = 3n³, इसलिए ये हो गया पूर्णांक का घन = 9³। सेकंड पूर्णांक लेते हैं, अब हम सेकंड पूर्णांक है a = 3n + 1, तो घन करेंगे इस दोनों पक्षों का, तो इधर तो होगा a³ और यहाँ होगा a + b³ और a + b³ का सूत्र आपको याद होगा, सूत्र होता है इस प्रकार a³ + 3ab² + 3ab² + b³। यहाँ हमारे पास प्रश्न में a का मान तो है 3n और b का मान है 1,
उस सूत्र में जहाँ जहाँ ए आता है वहाँ लिख देंगे 3n, जहाँ बी आता है वहाँ हो जाएगा 1। तो ए क्यूब तो ये होगा 3n का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, तो ए का हो गया 3n स्क्वायर, बी का हो गया 1। इसी प्रकार 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, हल क्या इसको, तो 3 का घन होता है 27, n क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 का गुणा करेंगे 3 से तो 27 n स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 9n प्लस 1। अब प्रथम तीन पदों में से 27n क्यूब, 27n स्क्वायर और 9n, इन तीनों ही पदों में से 9n कॉमन आ रहा है, और 9 इसलिए कॉमन लेना है क्योंकि सिर्फ कहने में 9 आ रहा है। तो यहाँ 9n कॉमन लिया तो अंदर हो गए 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, और सिर्फ कहने में 9 अलग है, 9 को अलग कर दिया, बाकी सारे पदों को मजला पौष्टिक के जो भी पद है उन सभी पदों को हमने क्यू मान लिया क्योंकि सिर्फ कहने में क्यू आ रहा है, क्यू लाना है। तो क्यू इजिकल हो गया एन इंटू 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, देन 9 क्यू प्लस 1। अब थर्ड पूर्णांक है ए इज इक्वल टू 3n प्लस 2। फर्स्ट पूर्णांक और सेकंड पूर्णांक में थोड़ा सा अंतर है केवल, बी का मान वहाँ 1 था और यहाँ बी का मान 2 है। वही दोनों पक्षों का घन किया हमने, ए क्यूब इज इक्वल टू यहाँ भी ए प्लस बी का होल घन का सूत्र लगाया, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, हल किया तो ये आ गया 3 का घन 27 एन क्यूब प्लस 3 का घन 9, 9 को गुणा किया 3 से 27, 27 को गुणा किया 2 से तो 54 एन स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4, 4 का गुणा 3 से 12, 12 का गुणा 3 से 36 एन प्लस 2 का होल क्यूब 8। तो एक क्यूब इज इक्वल टू 27 एन क्यूब प्लस 54 एन स्क्वायर प्लस 36 एन प्लस 8। अब हमें यहाँ पर प्रथम तीन पदों में से 9 कॉमन आ रहा है तो 9 कॉमन ले लीजिए, पीछे बच गया 3n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 4n। अब इस कोष्टक के अंदर प्लस को क्यों मान लेंगे क्योंकि सब के अंदर में क्यों लाना है, तो यहाँ होगा ए क्यूब इजिकल टू 9 क्यूब प्लस 8। तो ये हमने देखा यहाँ पर कि पूर्णांक लिया, पूर्णांक का घन किया, तो पूर्णांक का घन करने पर सिद्ध हुआ यहाँ पर पहले पूर्णांक से है 9 क्यूब, दूसरे से है 9 क्यूब प्लस 1, तीसरे से है 9 क्यूब प्लस 8। तो हम कह सकते हैं कि सिद्ध होता है कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9 क्यूब प्लस 1, 9 क्यूब प्लस 8 के रूप का होता है, और हमें यही सिद्ध करना था।